3 साल की लड़की का तांत्रिक ने किया रेप और कहा मैं तो शक्तियां चेक कर रहा था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पुलिस को एक बड़ी ही सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक रिटायर्ड होमगार्ड को गिरफ्तार किया है जो कि तांत्रिक बनकर एक मंदिर में हैवानियत भरे काम को अंजाम देता था। पुलिस ने इसे सोनभद्र से पकड़ा और मीडिया के सामने लाया। साधु बाबा बने रिटायर्ड होमगार्ड के खुलासे किए तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये बाबा वेस्ट बंगाल के पुरुलिया निवासी बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी पुरुलिया वेस्ट बंगाल निवासी सनातन गोस्वामी पर 3 साल की प्रिया का रेप का आरोप लगा हुआ था। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो बच्ची के शरीर में कई जगह पर सुई चुभाया था। उसने बताया कि वो बच्ची के शरीर में कई जगह पर सुई चुभाता था और पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो बच्ची के शरीर में कई जगह पर सुई चुभाया था। उसने कहा कि मैं टेस्ट करना चाहता था कि मेरे अंदर तांत्रिक की शक्तियाँ हैं या नहीं। मीडिया से बात करते हुए सोनभद्र के एसपी राम प्रताप सिंह ने बताया कि रिटायर्ड बाबा का नाम सनातन गोस्वामी है और ये पिपरी के एक मंदिर में रहकर अपनी तांत्रिक पूजा पाठ का ढोंग धीरे धीरे फैला चुका था। यही नहीं, बाबा तांत्रिक के नाम पर अपना ढकोसला दिखाते दिखाते एरिया में काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था। यही नहीं, रेप और हत्या के आरोप से यहां आने के बाद दाढ़ी और फिर मूंछ बढ़ाकर रखी थी और आसपास के लोगों को बहला फुसला कर लोगों के अंदर ये धारणा बना चुका था कि ये एक सिद्धि प्राप्त बाबा है जो कि सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। पिपरी थाने के प्रभारी वीरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी सनातन गोस्वामी को मंदिर में सिद्धि बाबा के रूप में रहकर अपने फर्जी तंत्र मंत्र का कारोबार चला रहा था। इसी मुर्दा हथियारे से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पुरुलिया थाने में आईपीसी के धारा 376, 307, 302 और 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है।